गाइस, ये है एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली डॉल्फिन। आपको पता होगा मेरे पास बहुत सारे पानी में चलने वाले फिशेस हैं। यार डॉल्फिन दिखने में तो काफी ज्यादा सही लग रही है, तो आज मैं इसकी फाइट कराऊंगा स्टिंगरे फिश के साथ। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि ये एक एम्फीबियस कार है, ये पानी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फ्लोट कर सकती है। ब्लू कलर की शार्क है, बायोनिक एलियन स्नेक है, एक ड्रैगन बोट भी है। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। ये रिमोट कंट्रोल डॉल्फिन का मैं वेट एक महीने से कर रहा था यार। मैंने इसको दुबई से खरीदा था। यहाँ पर इसके मेन फीचर्स आप पढ़ सकते हो। इसके साथ रिचार्जेबल बैटरी मिलती है और ये वाटर को ब्लो भी कर सकती है, यानी कि वाटर यहाँ से ऊपर फेंक भी सकती है। डॉल्फिन दो कलर्स में मिलती है, एक पिंक व्हाइट है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है। चलो गाइस फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। गाइस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जरूर से लाइक भी कर देना। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट बहुत ही हल्का फुल्का सा है, पर इसका डिजाइन मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर दो बटन है, यहाँ पे दो बटन है, ऊपर की तरफ दो ट्रिगर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बटन जैसे कुछ देखने को मिल रहा है पर ये प्रेस बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। ये है इसकी रिचार्जेबल बैटरी। बैटरी बहुत छोटे साइज की इसके साथ मिली है। अभी निकालते हैं हमारी रिमोट कंट्रोल डॉल्फिन को। ये दो अलग अलग पार्ट्स में मिली है। यहाँ पे इसका माउथ देखो यार कितना ज्यादा शार्प है। यहाँ पर इसके आईज है, ऊपर की तरफ इस तरह का फिन है, साइड में दो फिन्स है। यहाँ पर इसका स्प्रेयर सिस्टम है, दो स्प्रेयर सिस्टम इसके अंदर लगाए गए हैं। ऊपर की तरफ एक एलईडी लाइट है। यहाँ पर दो प्रोपेलर्स है, ये प्रोपेलर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर स्प्रेयर सिस्टम का देखो यार होल दिया गया है, यहाँ से ये पानी खींच के ऊपर की तरफ से फेंकने लगती है। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी एड किया है ताकि ये पानी के ऊपर अच्छे तरीके से तैर सके। तो अभी ये इसका टेल वाला सेक्शन है, ये जो है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको फटाफट से हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे क्लिक सिस्टम है, मैंने इसको बिठा दिया है। अभी टेल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये दिखने में बॉक्स के ऊपर तो ब्लैक कलर लग रहा था पर ये थोड़ा सा ग्रे सुनहरी कलर की मेरे को लग रही है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा सॉलिड है, कलर भी काफी ज्यादा मस्त है और ये बहुत ज्यादा चमचमा रही है। आउटडोर में तो ये बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग लगेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये है स्टिंगरे फिश, इसको भी मैंने दुबई से खरीदा था। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये स्टिंगरे फिश बहुत ज्यादा पसंद आई थी, बहुत ज्यादा कमाल की है। तो आज देखते हैं क्या स्टिंगरे फिश डॉल्फिन को हरा पाती है या नहीं। गाइस ये देखो मैंने इसको निकाल लिया है बॉक्स के अंदर से बाहर। स्टिंगरे फिश बहुत ज्यादा पतली होने के कारण पानी के अंदर से चलने लगती है, इस वजह से इसकी स्पीड अनमैचेबल है गाइस। ओवरऑल इसके ऊपर भी फिनिशिंग आप देख सकते हो काफी ज्यादा तगड़ी है। यहाँ पर इसके आईज है, जैसे हम इसको पानी में रखते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाती है। इसके अंदर बड़ी वाली बैटरी भी हम चाहे तो लगा सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे इसकी जो पूंछ है फ्लेक्सिबल दी गई है। तकरीबन ये शार्क मेरे पास 3 साल से है, मैं इसको कंटिन्यू यूज भी कर रहा हूँ। आज तक इसके अंदर जर्रा बराबर भी दिक्कत नहीं आई यार। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर तालाब के पास, वहां पर जाकर इन सभी को टेस्ट करते हैं, देखते हैं आज की फाइट में कौन जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट। बड़े से तालाब के पास आ चुके हैं हम लोग डॉल्फिन को टेस्ट करने के लिए। चलो गाइस सबसे पहले इसको चलाने वाला हूं मैं, पहले इसको एक्टिवेट करते हैं। गाइस देखो अभी एक्टिवेट हो चुकी है, यहां पे एक रेड कलर की लाइट भी जलने लगी है। भाई साहब चलना स्टार्ट हो चुकी है हमारी डॉल्फिन। ये देखो यार यहाँ पर इसका स्प्रिंकलर भी है। अभी इसका स्प्रिंकलर मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। ये रहा इसका बटन, ये देखो यार। ओ भाई दो दो स्प्रिंकलर है यार इसके अंदर तो, ये देखो। ओहो काफी ऊपर तक स्प्रिंकलर आ रहा है। ये डॉल्फिन का रिस्पांस बहुत ज्यादा है यार। जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये डाइव लगा रही है पानी के ऊपर, वापस से ऊपर की तरफ आ चुकी है। अपनी पूंछ को लेफ्ट राइट करके बहुत अच्छे तरीके से ये पानी के ऊपर तैर रही है। दिखने में बिल्कुल बेबी डॉल्फिन जैसे ही दिखाई दे रही है। बाकी कंट्रोलिंग वगैरह बहुत ज्यादा ऑसम इसकी दी गई है और बहुत अच्छे तरीके से टर्न वगैरह भी ले लेती है, 360 डिग्री भी घूम सकती है ये डॉल्फिन। ओह गाइस ये तो सच में यार बहुत तगड़े तरीके से चल रही है। बाकी इसका जो रेंज है ना मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है। चलो गाइस अभी दूसरे फिशेस को भी टेस्ट करते हैं। अभी ये शार्क को भी पानी में चलाते हैं। इसमें और डॉल्फिन में क्या फर्क है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चलाने लग रहा हूँ, इसकी पूंछ ज्यादा हिलती है जब हम इसको पानी के ऊपर चलाते हैं, तो इस वजह से ये शार्क बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। अभी ये स्टिंगरे फिश को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी मैंने इसको रुका रखा है, जैसे मैं फॉरवर्ड करूंगा पीछे इस तरह की लहरें बनने लगती है यार। ये स्टिंगरे फिश ऑलमोस्ट आधी पानी में डूब के चलने लगती है। इसका डिजाइन बहुत ज्यादा स्लीक होने के कारण बहुत फास्ट से ये पानी के ऊपर तैर सकती है। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ये चल सकती है और जिगजैग मोशन में भी चल सकती है। दोस्तों बायोनिक एलियन स्नेक को टेस्ट करके देखते हैं, एक रियल स्नेक जैसा ही दिखाई देता है। अगर गाइस इसको हम लोग स्विमिंग पूल में डालकर किसी के साथ प्रैंक करेंगे तो यार उसकी तो हालत
तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा डेंजरस सा दिखाई देता है। अब ये रफ एंड टफ एम्फीबियस आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये डूब जाएगी, पर ये डूबती नहीं है गाइस, क्योंकि ये कार टू साइडेड है, इसलिए आप इसको रिवर्स में भी चला सकते हो या फिर इस तरह से भी चला सकते हो। ये इस तरह से रोल ओवर स्टंट भी कर सकती है पानी के ऊपर। बहुत ज्यादा कमाल की कार है। अब यहाँ पे रेस कराते हैं आरसी डॉल्फिन वर्सेस आरसी शार्क के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। आरसी शार्क आगे जाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर डॉल्फिन ने इसको रोक रखा है पूरी तरीके से। डॉल्फिन बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, शार्क भी पूरी कोशिश कर रही है तैर कर आगे जाने के लिए, पर सैडली यहाँ पर शार्क हार चुकी है और हमारी क्यूट से दिखाई देने वाली डॉल्फिन जीत चुकी है रेस को। अब देखते हैं क्या डॉल्फिन ये तेज तर्रार स्टिंगरे फिश को भी हरा पाती है, यानी रेस में दोनों बराबर की टक्कर में चल रहे थे गाइस। क्लियरली आप देख सकते हो डॉल्फिन थोड़ी सी पीछे रह गई यार, क्लियरली स्टिंगरे जीत चुकी है। यहाँ पर लहरें ज्यादा आने के कारण डॉल्फिन लहरों में ही फंस चुकी है पूरी तरीके से। अब स्टिंगरे फिश की रेस कराते हैं बायोनिक एलियन स्नेक के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे बायोनिक एलियन स्नेक पूरी कोशिश कर रहा है इसको हराने के लिए, पर स्टिंगरे फिश इससे भी ज्यादा तेज तर्रार है यार। यहाँ पे लहरें भी बहुत ज्यादा आ रही है और दोनों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पानी के ऊपर तैर रहे थे। देखो ये बहुत दूर से टर्न ली थी फिर भी ये जीत चुकी है रेस को। अब स्टिंगरे की रेस कराते हैं ड्रैगन बोट के साथ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। ड्रैगन बोट बहुत ज्यादा फास्ट है भाई, देखो ये कितनी दूर निकल चुकी है क्योंकि इसके अंदर पावरफुल डुअल प्रोपेलर दिया गया है। मेरे को नहीं लगा था कि गाइस स्टिंगरे फिश इतना ज्यादा डिस्टेंस है हार जाएगी ये बोट के साथ। मेरे पास एक 5 लीटर का वाटर कैन है, इसके अंदर मैं आधा पानी भर देता हूँ। अब देखते हैं ये वाटर कैन को कौन सी फिश खींच पाती है। सबसे पहले ब्लू शार्क को टेस्ट करके देखते हैं। इसके पीछे मैंने वाटर कैन बांध दिया, यहाँ पे शार्क पूरी कोशिश कर रही है इसको खींच के लेके जाने के लिए। ये वाटर कैन बहुत ज्यादा भारी भरकम है क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा पानी भर दिया था। अब मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आरसी डॉल्फिन को। आरसी डॉल्फिन बहुत अच्छे तरीके से तैर रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल प्रोपेलर्स लगाए गए हैं। मेरे को नहीं लगा था गाइस ये डॉल्फिन इतनी आराम से तैरेगी इतना ज्यादा वजन लेकर। अब एलियन बायोनिक स्नेक के साथ भी सेम टेस्ट करके देखते हैं। ये स्नेक प्रॉपर तरीके से तैर नहीं पा रहा है क्योंकि ये जिगजैग मोशन में जब तैरता है तो आगे मूव करता है, पर इसकी पूंछ को ही मैंने बांध दिया है इस वजह से मेरे को नहीं लगता गाइस वाटर कैन को ये खींच पाएगा अभी। अब स्टिंगरे के पीछे भी मैंने वाटर कैन को बांध दिया है, स्टिंगरे भी धीरे धीरे करके वाटर कैन को खींच रही है। स्टिंगरे आधा पानी में डूब के ये वाटर कैन को खींच के लेके जा रही है। स्टिंगरे के अंदर भी बहुत ज्यादा दम है गाइस। ये सभी फिशेस के बीच में अब टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं गाइस कौन सी फिश यहाँ पे जीती है। सबसे पहले फाइट होगी आरसी डॉल्फिन वर्सेस आरसी शार्क के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। आरसी शार्क पूरी कोशिश कर रही है डॉल्फिन को अपनी तरफ खींचने के लिए, पर डॉल्फिन के प्रोपेलर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो यार चुटकी बजाते ही शार्क को अपनी तरफ खींच लिया है। अब आरसी डॉल्फिन की फाइट कराते हैं एलियन बायोनिक स्नेक के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। एलियन बायोनिक स्नेक के अंदर सेम दिक्कत वापस से आ रही है, इसकी पूंछ के साथ जैसे हम लोग कोई चीज बांधते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से तैर नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखो यार डॉल्फिन ने इसको भी हरा के रख दिया है बहुत आसानी से टग ऑफ वॉर में। अब देखते हैं क्या ये डॉल्फिन खतरनाक सी दिखाई देने वाली स्टिंगरे फिश को भी हरा पाती है नहीं, क्योंकि पिछली बार स्टिंगरे फिश ने सभी को हरा दिया था पानी के अंदर। यहाँ पे डॉल्फिन और स्टिंगरे फिश के बीच में शायद मेरे को लग रहा है गाइस टाई होगा क्योंकि दोनों ही बराबर पावरफुल है, पर डॉल्फिन थोड़ी सी पावरफुल मेरे को ज्यादा लग रही है। देखो डॉल्फिन धीरे धीरे करके स्टिंगरे फिश को खींच के लेके जा रही है और स्टिंगरे यहाँ पे हार चुकी है। अब एकदम खतरनाक वाली फाइट होगी ड्रैगन बोट वर्सेस आरसी डॉल्फिन के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। आरसी डॉल्फिन पूरी कोशिश कर रही है ड्रैगन बोट को रोकने के लिए, पर ड्रैगन बोट बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत स्पीड से तैर भी सकती है। क्लियरली इसने हरा दिया है आरसी डॉल्फिन को। डॉल्फिन के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, इसका रिमोट बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। ये बटन के अंदर थोड़ा सा पानी जाने के कारण ये बटन अपने आप ही काम कर रहा है गाइस। ये जो चीज है ना यार अपने आप ही गोल घूम रही है, ये देख लो मैं इसके अंदर कोई भी बटन नहीं प्रेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा पानी गया था इस वजह से लग रहा है गाइस ये बटन पूरी तरीके से खराब हो चुका है, मेरे को अभी बटन रिप्लेस करना पड़ेगा। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इतने ढेर सारे आरसी वाटर एनिमल्स में से कौन सी चीज अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है साजिद, हमजा, गोलू, संदीप, अली अब्बास, शौर्या, आदि, कार्तिक, कान्हा, चहर, यश वर्मा। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।